वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए कहा कि करदाता अचानक किसी दबाव में ना पड़े, इसलिए नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है। वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करने के एक दिन बाद एक विशेष चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने का कदम उठाया है, लेकिन अचानक होने वाले बदलाव से करदाता दबाव में नहीं आए और उन्हें नई प्रणाली को समझने का समय मिले, इसलिए नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं का विकल्प रखा है। पुरानी व्यवस्था में जहां 5 लाख तक, 5 से 10 लाख तक और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर क्रमशः 5, 20 और 30% की दर से आयकर लगाने का प्रावधान है, वही नए ढांचे में 15 लाख रुपए तक आय के विभिन्न स्तरों पर 5, 10, 15, 20, 25% और 30% की दर से कर का प्रस्ताव किया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर की 7 स्लैब वाली नई व्यवस्था की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने इसमें करदाताओं पर कर बोझ कम होने का दावा किया है। हालांकि नई व्यवस्था में कई तरह की कर रियायतें और दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है।